व्रत पालन समय आज सुबह 5:49 से 10:15 तक व्रत का जो पालन है, तो प्रभुपाद शिक्षामृत वृंदावन 24 अप्रैल 1975 को प्रभुपाद ने ये कहा था। यदि मेरी उंगली में थोड़ा दर्द होता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि इस उंगली के साथ मेरा गहरा संबंध है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ भी हमारा गहरा संबंध है और हमारा पतन हो गया है, इसलिए श्री कृष्ण को थोड़ा कष्ट होता है और वे इस धरती पर आते हैं। श्री कृष्ण को कष्ट हो रहा है तो आप कृष्ण भावना भावित बनिए, तब श्री कृष्ण को आनंद मिलेगा। तो प्रभुपाद की एक एक बात बड़ी विचारने की होती है। ये भी बड़ी विचारने की बात है, जैसे उंगली का उदाहरण लिया प्रभुपाद ने, उंगली जो है उसमें कष्ट हो तो हम परेशान होते हैं, क्योंकि उंगली जो है हमारे शरीर का अंग है, भाग है, शरीर के साथ संबंध है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ भी हमारा गहरा संबंध है। क्या संबंध है? हम उन्हीं की संतान हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान गीता में कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदा पिता, जितने भी योनिये हैं उन सब का बीज देने वाला पिता मैं हूं। तो माता पिता पिता, वैसे कृष्ण भगवान को माता पिता भी कहा है, कृष्ण माता कृष्ण पिता। तो हमारा संबंध भगवान से बड़ा गहरा है, लेकिन हमारा पतन हो गया है। पतन भी हमारी गलती से हुआ, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं। मूर्ख लोग तो भगवान को दोष देते हैं, दोष हमारे कर्मों का है। हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे, इसलिए हमारा पतन हुआ। तो अभी हमारा एक ही काम होना चाहिए कि हम कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करें। इसलिए श्री कृष्ण को थोड़ा कष्ट होता है, भगवान को अच्छा नहीं लगता हम जो उनसे अलग हो गए, उनकी आज्ञा में नहीं रहे और वे इस धरती पर आते हैं। धरती पर क्यों लेते हैं अवतार भगवान? हमें यहाँ से ले जाने के लिए। ऐसा कहा है, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारा बारा जीवे दे कारण आशी या प्रपंच लीला कोई ले सो विस्तारा। ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जो एक महान वैष्णव है, जो बड़े उच्च स्तर में निवास करते हैं, भौतिक स्तर पे हम लोग हैं लेकिन उनका स्तर बहुत ऊंचा है। तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, गोपीनाथ को, कि आपकी कृपा असीम है इसलिए आप यहाँ अवतार लेते हो, पृथ्वी पर आते हो और अपनी मनोहारी लीलाएं करते हो। तो भगवान को, जैसे प्रभुपाद ने कहा है, श्री कृष्ण को कष्ट हो रहा है कि हम उनसे अलग हो गए हैं, तो आप कृष्ण भावना भावित बनिए, तब श्री कृष्ण को आनंद आएगा। कृष्ण भावना भावित मतलब भौतिक भावना का परित्याग और कृष्ण भावना का स्वीकार, तब भगवान खुश होंगे, अच्छा लगेगा। और यही ये हरे कृष्ण आंदोलन है, और कृष्ण जो हैं केवल उनकी निष्काम सेवा से प्रसन्न होंगे, वो हमारा धर्म है,
हमने उनकी सेवा छोड़ दी है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय प्रभुपाद जय जय। जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय जय। जय 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 प्रभुपाद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय जय चैतन्य नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा कृपा करी सबे मेली करह करुणा कृपा करी अधम पतिता जन ना करी घृणा अधम पतिता। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की समस्त गौर भक्त वृंद की। और आज हरिबोल तेरे को दिया उसने लिख रहा है तुम थोड़ा समय लगेगा ठीक। आज जगन्नाथ भगवान ने जो स्वयं कृष्ण हैं जगत के नाथ उन्होंने फूलों की चोरी की थी और भी कुछ लीलाएं उनकी आज की हैं वो भी आपको सुनाने का प्रयास किया जाएगा। और चोर तो भगवान बहुत बड़े हैं माखन चोर भगवान का नाम ही माखन चोर। तो भगवान ये लीलाएं करते हैं ताकि हम उनकी लीलाओं की ओर आकर्षित हों और हमारे अंदर की गंदगी साफ हो। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके ही हमारे अंदर की गंदगी जाएगी। मन में बड़ा गंद भर गया है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट ये भर गए हैं। मन बड़ा चंचल हो गया है चंचल मन। चंचल मन को तू समझा ले हरि नाम से लौ लगा ले कह रहे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को समझाओ इसको हरि चरणों में लगाओ। तो आज प्रभुपाद कृपा से गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर समस्त गौर भक्त वृंदों की कृपा से गौर कथा का 26वां दिन है। तो बड़े प्रेम से सब गौर कथा का श्रवण करो भगवान की लीलाओं का ध्यान करो चिंतन करो मनन करो और उनसे प्रार्थना करो कि हमें भक्ति का दान दे दो और अपने जीवन को भक्ति अंगीकार करके सफल बनाओ। कुछ दिन पश्चात एड़ियाद ग्राम से एड़ियाद ग्राम से श्री नित्यान अब ये वर्णन चल रहा है गौर भगवान ने अपने प्राण नित्यानंद जी को गौरदेश में भेज दिया। तो पहले को गाड़ियाँ थोड़ी पैदल जाते थे तो जा रहे हैं भगवान कल भी यही बना था आज एड़ियाद ग्राम में पहुँचे। कल रघुनंदन जी से बात हुई थी उनकी क्या नाम था उनका रघुनंदन नहीं राघव पंडित से हुई थी। तो भगवान लीलाएं करते नित्यानंद भगवान जा रहे हैं गदाधर दास जी से हुई थी। तो ये सारे गदाधर दास तो उनके साथ साथ चल रहे हैं उनके घर पे भगवान के। तो नित्यानंद भगवान अभी उनकी लीलाओं का चल रहा है जो बलराम जी के अवतार हैं। कल आपको याद होगा
कि कल के भगवान जो हैं उनके भक्त उनकी कृपा से, नित्यानंद भगवान की कृपा से वृक्षों पर चढ़ जाते हैं और पत्तों पर नाच रहे हैं, पत्तों पर नृत्य हो रहा है, वो धर्म शलाग लगा देते हैं, नीचे कुछ नहीं होता। तो उनकी कृपा और गदाधर दास जो हैं उनको गोपी भाव, वो राधा जी की अवतार हैं, तो वो गंगा जल का मटका सर पर रख के वो बेच रही हैं, माखन ले लो, दूध ले लो। तो ये भक्तों के अलग अलग भाव प्रकट हो रहे हैं नित्यानंद भगवान की कृपा से, सब भाव विभोर हैं, रास्ता भूल जाते हैं, 10 किलोमीटर से चले गए फिर वापस आते हैं भाव में। अभी भाव में तो लोग शरीर भी भूल जाते हैं और भाव में लोग कहाँ भक्ति भूलते हैं शरीरों को, तो अभी ये महाभाव में हैं सारे, तो ये रास्ता भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, कल वर्णन आया था। और जब हम भक्ति भाव में नहीं है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, बुराइयों को याद रखते हैं, हमारा मन भटकता रहता है। हिंदी में कहते हैं छिद्रान्वेषण, गलतियाँ ढूंढते रहते हैं, बुराइयों को ढूंढते रहते हैं, मन हरिचरणों में नहीं लगा ना, कभी इधर जाएगा, कभी इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे। तो चंचल मन को तू समझा ले, हरि नाम की लौ लगा ले, भगवान का नाम जप, मेहनत करो और इस मन को भगवान के चरणों में लगाओ। तो भगवान एडियाद ग्राम में नित्यानंद अपने परिकर सहित श्री सची माता के चरण दर्शन करने के लिए नवद्वीप को चले, उस गांव से नवद्वीप को चले सची माता के दर्शन करने के लिए। खड़दाह ग्राम में आकर अपने पुरंदर कृष्णदास, अपने पुरंदर पंडित के घर कुछ दिन निवास किया। पुरंदर पंडित के घर कुछ दिन भगवान ने निवास किया। यहाँ के लोगों को हरि नामामृत में स्नान कराकर आप सप्तग्राम आए, सबको हरि नाम में स्नान, हरि बोल किसी पुस्तक में लिख देना था ना, इतनी मेहनत ताकि फिर कभी काम आता है। तो हरि नाम में सबको स्नान कराया और सप्तग्राम में आए फिर भगवान। इस गांव में सप्त ऋषियों का निवास है, सप्तग्राम में सप्त ऋषियों का निवास, यहाँ श्री गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। इस तीर्थ स्थान में महाभाग्यवान उदाहरण दत्त भक्त निवास करते थे, भगवान भक्तों के पास आ रहे हैं ना, उदाहरण दत्त भक्त इस गांव में निवास करते हैं। बोलो उदाहरण दत्त भगत जी महाराज की। यह जाति के सुनार थे, सोना चांदी यानी कि ज्वेलर, किंतु नित्यानंद प्रभु ने इनकी सेवा से संतुष्ट होकर इनको अपना दास बना लिया। ऐसा वर्णन आता है, ये जो सुनारे हैं इनकी गति नहीं बताई, क्योंकि सुनारा जो है ना वो जरूर सोने में खोट डालेगा, बेईमानी करेगा। यहाँ पर भगवान के कलश बन रहे थे तो एक सुनारे को बुलाया था कलशों पर सोना लगाने के लिए, तो जिन्होंने स्पॉन्सर किया था हमारा बद्रीनाथ दास शिष्य है जम्मू का, वो पास बैठा उसके, तो उसने क्या किया, जो सोने के वर्क हैं कूड़े में फेंक दिए। बद्रीनाथ ने देख लिया, मतलब बेईमानी जरूर करेंगे तो फिर इसमें दुर्गति होती है, मुझे उसने बताया। लेकिन नित्यानंद भगवान ने उनका भी उद्धार किया, उदाहरण दत्त जो थे वो सुनारे थे। बनिक तारीते नित्यानंदे अवतार, बनी के रे दिला प्रेम भक्ति अधिकार। उस बनी का उद्धार करने के उद्देश्य से नित्यानंद अवतार हुआ, उस बनी को प्रेम भक्ति का अधिकार प्रदान किया।
और उद्धार भक्ति से ही होगा भाई, ये याद रखो, और कोई रास्ता उद्धार का नहीं है। यहां पर और भी बहुत से धनाढ्य बनिए रहते थे, बनिए जो है ना, बनियों की योनि पाप योनि बताई है, जो बनिए परिवार में जन्मे। चार योनियां भगवान ने बताई हैं गीता में, कृष्ण कहते हैं माँ ही पार्थ विपाश्रित्य ये पिशु पाप योनि जा, जो मेरे शरण में आ जाता है चाहे उसके कितनी पाप योनि क्यों नहीं हो। तो कौन सी पाप योनि? स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास, स्त्री वैश्य और शूद्र ये पाप योनि है। पर अगर ये भी भगवान की शरण में आ जाते हैं ते पी जानती परम गतम, ये परम गति को प्राप्त करेंगे। तो भगवान कौन लेता है, सबके उद्धारक हैं। नित्यानंद भगवान के नाम का वर्णन हो रहा है, नीलाचल से भगवान गौड़ देश में जा रहे हैं रास्ते में उद्धार करते हुए। अधम तारण श्री नित्याय चांद ने उन सब बनियों को श्री हरिनाम महामंत्र का दान कर कृतार्थ किया। सप्तग्राम में जो कीर्तन की तरंगें उठी वे समग्र गौड़ देश में फैल गईं। गौड़ देश में सारी कीर्तन की तरंगें फैल गईं। श्री नित्यानंद यहां से चलकर अपने पार्षदों सहित शांतिपुर पधारे। श्री नित्यानंद प्रभु आज श्री अद्वैत प्रभु के घर अतिथि हुए हैं। शांतिपुर नाथ के आनंद का आज ठिकाना नहीं है। शांतिपुर नाथ अद्वैताचार्य आज दोनों प्रभुओं के सम्मिलन से एक अनिवर्चनीय रस का जन्म हो गया है। वह उनके चरण पकड़ना चाहते हैं और वह उनके एक दूसरे के चरण पकड़ना चाहते हैं दोनों। कुछ देर में सुस्थिर होकर श्री अद्वैत प्रभु प्रेमानंद में विवल हुए हुए हाथ जोड़कर श्री नित्यानंद प्रभु की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अद्वैताचार्य स्तुति कर रहे हैं नित्यानंद भगवान की। हे नित्यानंद प्रभु, आप सर्वदा आनंद में क्लेवर हो। नित्यानंद का अर्थ की सदा आनंद में रहने वाले तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुणों के साक्षात विग्रह हो। आप भगवान के गुणों के विग्रह हो। नित्यानंद भगवान सदा चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करते हैं। सर्व जीवों के पार करने के लिए सत्य धर्म के महासेतु हो। सब जीवों को भवरूपी सागर पार करने के लिए सत्य धर्म की महासेतु हो। हे प्रभु, महाप्रलय में भी अविचल रहने वाले एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भक्ति के आदि आचार्य आप ही हो। आदि आचार्य मतलब यही आदि आचार्य आदि गुरु, इनकी कृपा से ही हम गौर कृपा राधा कृष्ण कृपा ले सकते हैं। ये याद रखो सारे इन बातों को। आप ही चैतन्य कल्प वृक्ष के धारण करने वाले तथा ब्रह्मा शिव नारद भक्त मात्र के उपदेष्टा और भक्ति के दाता हो। भक्ति इन्हीं के हाथ में सब, ये बड़ी ही विचारने की बातें हैं। ये अद्वैताचार्य कह रहे हैं, अद्वैताचार्य भी विष्णु तत्व हैं। ये बातें हम सब ने याद रखनी है। भक्ति के दाता हो किंतु फिर भी आपको किंचित मात्र अभिमान नहीं है, ये भी एक बात है। हमें अभिमान हो जाता है और देखो कई बार भक्तों को भी अभिमान हो जाता है। अभिमान किसी को भी वो अच्छा नहीं है। एक भजन में नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। कोई भक्ति में अगर ठीक तरह नहीं चल रहा उसको अभिमान हो जाता है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। किसी के पास भौतिक शिक्षा आ जाती है उसमें अहंकार आ जाता है और फिर उसका सर नीचे नहीं होता, जमीन से सर ऊपर ही रहता है, अंदर अहंकार घूम रहा है।
विनम्रता नहीं आती, शरीर पर शरीर के स्तर पर बने रहते हैं, हम ये शरीर हैं, इसका मान सम्मान, मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है। तो ये अहंकार जो है ना, इससे हम सबको बचना है। नित्यानंद भगवान ने कोई अहंकार नहीं, ये अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि आप इतने महान हैं लेकिन आप में कोई अहंकार नहीं है। हे नाथ, आपका श्री विग्रह सर्व यज्ञ में है, यथा आपके स्मरण मात्र से अविद्या माया का बंधन छूट जाता है। हे भगवान, आप गुणा व गुण का बिना विचार, गुण अवगुण का बिना विचार किए पतितों का उद्धार करने वाले हो। ये नहीं इसमें गुण है या नहीं है, उनका उद्धार करने, जो आपकी महिमा को जानते हैं वह धन्य हैं। हे नाथ, आपका श्री विग्रह सर्वज्ञ है तथा आपके स्मरण मात्र से अविद्या माया का बंधन छूट जाता है। नित्यानंद भगवान का बार बार स्मरण करो और माया के बंधन से मुक्त हो जाओ। यदि आप अपने को प्रकाशित ना करो तो आपको भला कौन जान सकता है। बोलो नित्यानंद भगवान की जय। बोलो अद्वैत चंद्र महाराज की जय। हे प्रभु, आप ही तो क्रोध रहित परमानंद स्वरूप महामहेश्वर हो तथा आप ही सहस्र मुख वाले आदि देव श्री शेष ही हो, हजारों मुखों वाले जो हैं शेष नाग, आप ही श्री लक्ष्मण बनकर राक्षस कुल के संहार करता हो और आप ही श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम हो। अद्वैताचार्य इस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। हे प्रभु, आपने मूर्ख नीच अधम पतितों के उद्धार के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। आहा, जिस भक्ति की योगेश्वर चाहना करते हैं वह भक्ति आपकी कृपा से आज सब जीवों को सुलभ हो गई है। तो भजन है अक्रोध परमानंद श्री नित्यानंद राय। नित्यानंद भगवान को क्रोध भी नहीं आता, बड़े महान, इनके गुणों का वर्णन तुच्छ जीव कैसे कर सकता है। फिर भी इनके भजन वैष्णव ने लिखा है, वो हम आपको सुनाते हैं और आप सब इनके गुणगान कीजिए। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाए, अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध नित्यानंद। अधम पतित जीवेरे द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवेरे द्वारे द्वार। हरि नाम महामंत्र दिचे ने बलिया, हरि नाम महामंत्र दिचे ने बलिया। जारे देखे तारे कहे दंत त्रिनाधरी, जारे कहे जन आमारे किनियला, बोलो गौर हरि। आमारे किनियला, बोलो गौर। एता बलि नित्यानंद भूमि घड़ी जाए, एता बलि भूमि घड़ी। सेनार पर्वत जिन धूल ते लुटाए, सोनार पर्वत।
हेन अवतारे जार रतीना जनमिल हेन रतीना जनमिल लोचन बोले सही पापी हेलो आर गेली लोचन बोले सही पापी हेलो आर गेली अक्रोध परमन नित्यानंदीला अकर अभिमान शून्य निताय नगरे बेला अभी श्रेष्ठ एवं आदरणीय भगवान नित्यानंद राय कभी क्रोधित नहीं होते हैं क्योंकि वे परम दिव्य आनंद की मूर्तिमान स्वरूप है। मिथ्या अभिमान की सभी भावनाओं से रहित निताय नगर में चारों ओर भ्रमण करते हैं। हे अत्यंत पतित एवं दयानी आत्माओं के निवास स्थान पर घर घर जाकर हरि नाम महामंत्र का उपहार मुक्त भाव से वितरित कर रहे हैं भगवान नित्यानंद, क्योंकि उनके आराध्य चैतन्य महाप्रभु ने उनका कहा लोग उनसे हरि नाम करवा, वही कर रहे हैं घर घर जा करके। जिसके भी वे जिसको भी वे देखते हैं अपने दांतों के बीच तिनके को पकड़े हुए जोर से चिल्लाकर विस्मय पूर्वक कहते हैं कृपा करके गौर हरि की आराधना करके मुझे खरीद लो। देखो कितनी एक आर्त पुकार सबसे कर रहे हैं नित्यानंद भगवान, क्योंकि कलियुग के भगवान गौर राय हैं और ये भी उन्हीं का ही स्वरूप है। मुझे खरीद लो आप गौर भगवान का नाम लेकर। हे मेरे प्रिय भाई मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं। देखो कितनी विनम्रता है। त्रिलोकीनाथ भगवान पति जीवों के पांव पकड़ रहे हैं। तुम्हारे चरणों में मैं तुमसे विनती करता हूं कि केवल एक बार हरि हरि के नाम का उच्चारण करो, केवल एक बार प्रिय मधाई केवल गौर हरि बोलो, कृपया उनके पवित्र नाम का जब उच्चारण करो तुम्हारा इस भौतिक जगत से उद्धार हो जाएगा। कितना आसान ये उद्धार है इनकी कृपा से कलयुग में दोनों भाइयों की कृपा से, लेकिन हम पतित जीव जो हैं अपना उद्धार नहीं करवाना चाहते, हम माया में ही फंसे रहना चाहते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। अतः ऐसा कहकर नित्यानंद प्रभु भूमि पर लुटकते हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक स्वर्ण पर्वत धूल में लुटकता है। भगवान जमीन पर जो हैं लोटपोट हो जाते हैं, सेनार नहीं है सोनार है, भगवान जमीन पर लोटपोट हो रहे हैं। तो लोकीनाथ वे भूमि पर लुटकते हुए घूमते हुए धूल से अचानक गिरते हैं, वे पृथ्वी के ऊपर गिरते लुटकते स्वर्ण पर्वत के समान लगते हैं, सोने के पर्वत के समान। धूल में घूमता लुटकता हुआ स्वर्ण पर्वत जोर से दहाड़ता है गौर हरि 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 और पुनः गौर हरि हरि और पुनः गौर हरि हरि उच्चारण करता है। ये बहुत बड़ी दया है भगवान नित्यानंद की, ये सब ले लो हमारा मंगल हो जाएगा। लोचनदास कहते हैं, लोचनदास बहुत बड़े ये वैष्णव हैं हमारे संप्रदाय के, वो क्या कह रहे हैं हम सब मूर्खों को। लोचनदास महाराज कह रहे हैं जिस किसी ने भी इनके समान ऐसे अवतार के प्रति जागृत करने का अनुभव नहीं किया है
मैं पाप पूर्ण व्यक्ति पुनर्जन्म व मृत्यु के चक्र में व्यर्थ की केवल आता है और चला जाता है। जिस किसी ने भी इनके समान, लोचनदास जी कह रहे हैं, ऐसे अवतार के प्रति प्रेम जागृत करने का अनुभव नहीं किया है, मतलब जो नित्यानंद भगवान की शरण में नहीं आया और इनके कृपा से प्रेम जागृत नहीं किया, तो लोचनदास महाराज क्या कह रहे हैं, उनके शब्दों की ओर ध्यान दो। वो कहते हैं, वह पाप पूर्ण व्यक्ति पुनर्जन्म व मृत्यु के चक्र में व्यर्थ ही केवल आता और चला जाता है। वो पापपूर्ण व्यक्ति है जिसने इनकी कृपा नहीं ली और इनके चरणों की शरण नहीं ली, भक्ति उपलब्ध नहीं की, वो बस आता है और चला जाता है, बस भाग्यहीन व्यक्ति है। तो लोचनदास ठाकुर महाराज के चरणों में प्रार्थना करनी है कि आपकी कृपा से हमारा नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रेम हो, हम उनकी कृपा के पात्र बने, ऐसी हम पर कृपा करो। बोलो श्रील लोचनदास ठाकुर जी महाराज की, बोलो नित्यानंद भगवान की। इस प्रकार श्री अद्वैत प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा गान करते करते प्रेमानंद में बेसुध हो गए, मतलब मूर्छित हो गए, भाव में विभोर हो गए। श्री निताई चांद हंसते हंसते उनको हृदय से लगाकर नृत्य करने लगे। भगवान प्रसन्न होकर उनको हृदय से लगा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। श्री अद्वैत भवन में परमानंद की तरंगे उठने लगी। उन तरंगों में समस्त शांतिपुर का स्नान हो गया। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने परिकर सहित कुछ दिन शांतिपुर निवास कर खूब जी भर कर गौर कथा कही। नित्यानंद भगवान गौर के गुणगान कर रहे हैं, कुछ दिन वहां रहे, खूब गौर कथा कही। और देखो गौर कथा में कितना आनंद है, आनंद ही है। और जब नित्यानंद भगवान के मुखारविंद से गौर कथा हो रही है तो परमानंद है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। तो फिर शांतिपुरनाथ के हृदय में गौर कथा की तरंगे उठाकर भक्तों सहित नवद्वीप पधारे। शांतिपुर से नित्यानंद भगवान अपने भक्तों के साथ नवद्वीप में आए। नवद्वीप में प्रविष्ट होते ही श्री निताई चांद छूटे हुए बाण की सदृश श्रीमन महाप्रभु के मंदिर में पहुंचे। जैसे मान छूटता सीधे महाप्रभु के मंदिर में गए और जाकर शची माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। नित्यानंद भगवान शची माता का बड़ा सम्मान कर रहे हैं और गौर भगवान भी अपनी माँ का बड़ा सम्मान कर रहे हैं। देखो सब स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, ये शिक्षा हमको लेनी चाहिए। स्त्रियों का जो अपमान करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। पत्नी रूप में भी स्त्री का सम्मान करना, वो घर की लक्ष्मी है, लेकिन लड़ते रहे पत्नी के साथ, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब जब बद्धावस्था है ना, कंडीशनल स्टेट में, हमको दूसरों के दोष देखते हैं, अपने दोष नहीं देखते, तो ये दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य नहीं। स्त्री चाहे माँ है बड़ा सम्मान है, पत्नी है फिर भी सम्मान है, बेटी है फिर भी सम्मान है, बहन है फिर भी सम्मान है। हर हालत में स्त्री सम्माननीय है। और स्त्रियों का भी इस बात का ध्यान रखना है, उनको भी मर्यादा में रहना है। ये नहीं उल्टे सीधे काम करें और फिर सम्मान ढूंढें, वो भी नहीं ठीक, ऐसा नहीं। ताली दोनों हाथ से बजती है। स्त्रियों को बड़ी मर्यादा में रहना है, पतिव्रता रहना है, पतियों की आज्ञा में रहना है, और पतियों का भी ध्यान है, उनका भी सम्मान करना। कलयुग में बड़ी दुर्गति हो रही है,
और कला क्लेश, कोई शांति लोगों को नहीं है। तो सच्ची माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, पहले वर्णन आया है। गौर भगवान ने भी अपनी माता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की थी। माँ का बड़ा सम्मान होना चाहिए। माँ ने हमको जन्म दिया है, गर्भ में धारण किया, वह बड़ी सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। देखते ही माता के हृदय में दुख समुद्र उमड़ आया, दुख समुद्र उमड़ आया। माता जी पुत्र बेरा सागर में डूबी हुई थी, इनको देखकर कुछ आशा हुई, जो निताई आए हैं तो निमाई भी आएंगे। माता विरह में बड़ी दुखी थी, अपने पुत्र के विरह में। पुत्र कौन? त्रिलोकीनाथ। देखो, याद रखो, यहाँ थोड़ा सा विचारने की बात है, भगवान का कोई माता पिता नहीं, लेकिन जो अपने प्रिय भक्त हैं उनको भगवान माता बना लेते हैं और पिता भी बनाते हैं। भक्त जो हैं भगवान के माता पिता बनते हैं। वैसे भगवान का कोई माता पिता नहीं, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो धन है जो भगवान के माता पिता बने हैं, जिनको भगवान ने अपना माता पिता बनाना स्वीकार किया, माता बनाना स्वीकार किया। तो नित्यानंद जी को मिलकर के सच्ची माता को ऐसा लग रहा है कि मेरा निभाई भी आएगा, ये भी उनको माँ ही कहते हैं। दोनों वैसे भाई हैं, दोनों देह तो दो हैं, एक ही प्राण है ये। माता रुदन करती हुई कहने लगी, वत्स निताई, तुम अंतर्यामी हो, जान गई भी कौन है। तुम्हारे देखने को मैं बड़ी तरस रही थी, तुमने माता का दुख जानकर दर्शन दिए हैं। बाप धन, तुम नवद्वीप में कुछ दिन रहो, तुम्हारे दर्शन से ये बाप धन क्या लिखा को रक्षण कर दिया कर। तुम नवद्वीप में कुछ दिन रहो, तुम्हारे दर्शन से मेरे संतप्त प्राण शीतल होते हैं। तुम ही तो मेरे विश्वरूप हो। पुत्र, मैं बड़ी दुखिया हूँ, बड़े भाग्य से बहुत दिनों से आज तुम्हारा दर्शन मिला है। सुनीता चांद ने सुमधुर वाणी में कहा, माँ, मैं तो आपके दर्शनों के लिए ही नवद्वीप आया हूँ, आपकी आज्ञा से मैं यहाँ ही रहूँगा। क्या हो, स्नेहमयी सची माता के कोमल हृदय में सुनीताई चांद के श्रीमुख से माँ शब्द को सुनकर पुत्र स्नेह का स्रोत उमड़ पड़ा। मैं अपने प्यारे पुत्र निताई चांद की याद करती हुई रोते रोते कहने लगी, बेटा निताई, तू अकेला ही आया है, मेरा निमाई कहाँ है? धन है सच्ची माता, मेरा निमाई कहाँ? निमाई निताई, वह किस तरह से है? क्या वह कभी इस हतभागनी जननी की भी याद करता है? श्री निताई प्रभु रोते रोते बोले, माता धीरज धरो, आपके सुपुत्र आनंद में है, आपकी कुशल क्षेम जानने के लिए ही उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, और आपके चरणारविंद में अनंत प्रणाम कहे हैं, अनंत प्रणाम। पुत्र विरह कातर श्री सची माता निताई को हृदय से लगाकर जितना प्यार करती हैं, उनकी विरह ज्वाला उतनी ही धधकती है। कुछ समय में उस पुत्र विरह ज्वाला ने माता को मूर्छित कर दिया। श्री नित्यानंद प्रभु माता की ऐसी दशा देखकर भीषण चिंता में पड़ गए, किंतु फिर आपको शीघ्र ही ध्यान आया, आप पार्षदों सहित उच्च स्वर से गौर कीर्तन करने लगे। श्री गौर कीर्तन श्रवण करके माता जी
निमाई निमाई कहकर उठ बैठी। समस्त नदियावासी भक्त वृंद भी वहाँ उपस्थित थे, वे सब भी गौर विरह में हा गौरांग कहते हुए लोटपोट हो रहे हो गए। समस्त नदियां नगरी में वायु वेग के समान गौर बेरा ज्वाला फैल गई। बस फिर तो नवदीप के घर घर में कीर्तन होने लगा। ये दोनों कीर्तन अवतार हैं, कीर्तन के द्वारा ही हमारा उद्धार है। कुछ दिन नवदीपपुरी में रहने के उपरांत श्री नित्यानंद प्रभु ने महासंकीर्तन करना आरंभ कर दिया। श्री नित्यानंद प्रभु इस कीर्तन के नेता बने। भज गौरंग कहो गौरंग ला गौरंग नाम रे, भज गौरंग कहो गौ लह गौरंग राना, जे जन गौरंगा बाले से अमार प्राण रे, जे भज गौरंगा कहो गौरंगा बज गौ लह गौरंगे नाम रे, जे जन गौरंगा बाले जे जन से अमार प्राण रे, यही एकमात्र उनकी ध्वनि थी। सब लोग गौरांग महाप्रभु का नाम ले रहे हैं पूरे नवदीप में। कीर्तनानंद मन मगन श्री नित्यानंद प्रभु का मल्ल वेश है, आपके सिर पर बहुरंगी पाग बंधी है, पाग के ऊपर पुष्पों की माला शोभित है, कंठ में मोतियों का हार है, कानों में स्वर्ण के रतन जड़ित कुंडल हैं, हाथों में स्वर्ण के कड़े हैं, सर्वांग में सुगंधित चंदन शुभायमान है, कर में लोह दंड है तथा श्री अंग में सफेद नीले पीले अनेक रंग के चित्र विचित्र वस्त्र सुशोभित हैं। वंशी और बैंत आपने कटी देश में धारण किए हैं, कटी वेश होना चाहिए देश लिखा था। श्री चरणों में नूपुर की शोभा है, जिस किसी भाग्यवान के कानों में वह सुमधुर ध्वनि पड़ गई वह सदा के लिए नित्य श्री नित्यानंद भगवान का हो गया। इस प्रकार मल्लभेश क्या होगा, ये तो स्पेलिंग देखो उसके, मल्लभेश में श्री नित्यानंद प्रभु नवदीप में कीर्तन करते आपके संकीर्तन विलास में अग्नित भक्त हो जाते, बहुत दुनिया आ जाती है। भजन नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजन, नदिया गद्र पतिया चे नाम हटा जीवे रे कर पतिया चे नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजन, नदिया अपराधा शून्य है लहो कृष्ण ना,
प्रभु आज्ञा मांगे मां ए भिक्षा। बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण करो कृष्ण से श्रद्धावान जन से श्रद्धावान जान श्रद्धावान प्रभु राज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण भज नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजान अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजान नदिया गद्रु कृष्णेरा संसार कर छाड़ी अनाचार कृष्णेरा जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजान नदिया गद्रु में नित्या नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजान तो गोद्रुम द्वीप में भगवान नित्यानंद प्रचार कर रहे हैं। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान अपने ही सच्चे भक्त बने हुए हैं दोनों भाई और लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हम लोग अहंकार से भरे हुए हमें अपना सर भी जमीन में रखना जो है वो भी ठीक लगता, सर भी ऊपर रहता है हमारा, लेकिन भगवान की देखो कितनी कृपा है। किंतु नित्यानंद प्रभु की वेशभूषा भाव भक्ति आचार व्यवहार तथा विलास विभ्रम को देखकर बहिरंग लोग नाना प्रकार की आलोचनाएं करते हैं। लोग क्रिटिसाइज करते देवात इनकी अपूर्व लीलाएं देखकर। देवात कौन है? देवात लिखा लीलाएं देखकर नवद्वीपवासी एक ब्राह्मण को भी शंका हो गई कि सन्यासियों का धर्म नहीं आभूषण पहनना पाग बांधना, श्री नित्यानंद प्रभु यह सब क्या करते हैं? यह ब्राह्मण श्रीमन महाप्रभु के सहपाठी हैं। श्री गौरांग चरणारविंद में इनका दृढ़ विश्वास है, किंतु नित्यानंद प्रभु के तत्व से अनिविज्ञ हैं। श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों की इच्छा से ये ब्राह्मण कुछ दिन में नीलाचल पधारे। वहाँ पहुँच कर इन्होंने श्रीमन महाप्रभु के दर्शन कर आनंद लाभ किया, परंतु नित्यानंद प्रभु में जो इनकी श्रद्धा हो गई थी उसके लिए इनके मन में द्वंद्व चलता रहा। एक दिन अवसर पाकर इन्होंने एकांत में श्री गौरहरि से निवेदन किया
हे प्रभु, एक प्रार्थना है, यदि आप कुछ ध्यान दें तो कहूं। अंतर्जामी श्री गौर हरि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ अवश्य कहो। ब्राह्मण हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहने लगा, भगवान नवद्वीप में जो नित्यानंद अवधूत गए हैं वहाँ पर वह बड़ी अटपटी लीला कर रहे हैं। सब लोग उनको सन्यासी बताते हैं किंतु वह सुगंधित तांबुल चबाते रहते हैं और सन्यासी को पान खाना लिखा नहीं, फिर सन्यासी को धातु स्पर्श करना भी नहीं लिखा और वे अंग अंग में स्वर्ण तथा मोतियों के आभूषण धारण करते हैं, कोपीन को छोड़कर दिव्य रेशमी वस्त्र पहनते हैं, दंड को छोड़कर लोहे का दंड लिए रहते हैं तथा शूद्रों के घर में रहते। प्रभु शास्त्र का आचार तो उनको उनमें कोई दिखता नहीं और लोग उनको महापुरुष कहते हैं, तो वे आश्रम धर्म पर क्यों नहीं चलते? स्वामी जो आप मुझे अपना दास समझते हो तो कृपा करके मेरा संदेह दूर करो। ये उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को कहा, तो संदेह दूर की कथा कल की कथा में आएगी। आइए ही कथा को विराम दिया जाता है। सब अपने रस्ता को पवित्र करने के लिए जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम, जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम, जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम, जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम। बोलो बलराम अवतार नित्यानंद भगवान की, अति दयालु परम कृपालु नित्यानंद प्रभु की। तो आज की जो द्वादशी है दमनक रोपण द्वादशी है, तो आज की द्वादशी के बारे में कुछ यहाँ उत्सव है वो आपको बताते हैं। यह उत्सव जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। भगवान राम और कृष्ण के विग्रहों को शोभा यात्रा में जगन्नाथ कलब मठ ले जाया जाता है। दमनक एक प्रकार का वृक्ष है जिस पर सुंदर पुष्प लगते हैं। जगन्नाथ भगवान के दो प्रिय पुष्प हैं चंपक और दमनक। भगवान जगन्नाथ बल्लभ मठ के बगीचे में दमनक पुष्पों की चोरी करते हैं। जगन्नाथ भगवान ने बल्लभ मठ के बगीचे में उनकी चोरी की, इसलिए आज के दिन भगवान को जगन्नाथ बल्लभ मठ में ले जाया जाता है और वहां पर उन्हें दमनक वृक्ष के पुष्प और पत्ते अर्पण किए जाते हैं। रोपण का अर्थ है वृक्ष लगाना। आज के दिन दमनक वृक्ष का रोपण भी किया जाता है, जिस पर ये फूल लगते हैं आज के दिन उसका रोपण भी किया जाता है।
बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, जय जय जग त्रिभुवन कोरे यार चरण बंदन, त्रिभुवन नीला चले शंख चक्र गदा पद्म धार, नीला नदिया नागरे दंड कमंडलू का, नदिया नागरे दंड जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, जय जय जग त्रिभुवन कोरे यार चरण बंदन, के हो बोले पूर्वे रावण बदीला, के हो बोले गौलो केरा भाई बाबलीला प्रकाश करीला, शीराधार भावे एवे गौरा अवता, शीराधार हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, हरे कृष्ण नाम गौरा जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, त्रिभुवन कोरे यार चरण बंदन, वासुघोष बोले करी जोड़ा, शीराधार भावे एवे गौरा अवता, शीराधार हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, वासुघोष बोले करी जोड़ा, वासुदेव घोष ये गुरु ये कृष्ण से ही जगना, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगना, जय गौर सई कृष्ण सई जगना, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, बोलो सचिदानंदन की, बोलो जगन्नाथ की जय। तो जगन्नाथ जी की भी लीला आज के दिन हुई है और ये उत्सव जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। तो जो जगन्नाथ हैं यही
वासुदेव घोष का ये भजन है, यही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो गौर हैं वही कृष्ण हैं वही जगन्नाथ है। तो सबका धन्यवाद, गौर भगवान, नित्यानंद भगवान, अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर, ये सब हम कलयुग के लोगों पर कृपा करें और हमें प्रेमा भक्ति का दान दें। बस उद्धार का रास्ता प्रेमा भक्ति है। हरे कृष्ण। वंदना कौशिक माता फरीदाबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, पूर्ण समर्पण क्या है? क्या इसका अर्थ है कि हम श्री कृष्ण के सामने कोई भी इच्छा प्रकट ना करें? फिर से बोलो। पूर्ण समर्पण क्या है? क्या इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के सामने कोई भी इच्छा प्रकट ना करें? इच्छा जो है, पत्थर कोई इच्छा नहीं कर सकता, इच्छा समाप्त नहीं होगी, लेकिन इच्छा का अध्यात्मिकरण करना है, इच्छा को स्पिरिचुअलाइज करना है। इच्छा करनी है कृष्ण प्रेम की, इच्छा करनी है कृष्ण की सेवा की, इच्छा करनी है कृष्ण भक्ति की, इच्छा करनी है कृष्ण नाम जपने की, और बाकी इच्छाएं जो हैं सब बेकार हैं। कहाँ है? अन्ना विलासता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तम। भौतिक इच्छा शून्य जीरो होनी चाहिए। ये गीता में प्रभुपाद बता रहे हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षेति विश्वासो गोपत तत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडविधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना मृत का तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावना मृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण समस्त परिस्थितियों में, उसकी सभी कठिनाइयों में से तथा कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इनके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन निर्वाह कैसे होगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। जीवन निर्वाह कृष्ण कृपा से होगा। अब देखो, एक कहावत है गुजराती भाषा में, माला बाला जो छे वाला भगवान को कहते हैं, वो कीड़ी ने खावा माटे कान आपे छे और हाथी ने मन। चींटी कीड़ी, गुजराती भाषा में चींटी को कीड़ी कहते हैं, थोड़ा सा खाती है भगवान उतना देते हैं, हाथी मन खाता है भगवान उतना उसको दे रहे हैं। तो वही हम प्रभुपाद कह रहे हैं इस कि जीवन निर्वाह कैसे होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। कृष्ण ही सब कुछ है। तो ऐसा करने से सब ठीक होगा, मंगल होगा, यही समर्पण है पूरा। हरे कृष्ण। ये आप पढ़ सकते हैं भगवद गीता का, ये 66वां
श्लोक है, उसके तात्पर्य में ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतनी सुंदर गौर कथा का गायन किया, और उनसे प्रार्थना है कि गौर कथा के बाद राम कथा का गायन किया जाए। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज USA से लॉस एंजलिस से रामकृष्ण प्रभु जी ने सीताराम जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि वो राशन का वितरण करेंगे गरीब लोगों को। तो उनकी तरफ से ये आयोजन किया गया। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। महाराष्ट्र से विश्वमोहन प्रभु जी और उनकी पत्नी गीता प्रांजपे की तरफ से उनके गुरु जी जयपताका महाराज जी के आविर्भाव पे आज उन्होंने लड्डू प्रसाद वितरण करने के लिए बोला है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अजय कुमार बिजनौर से हैं जिन्होंने ठाकुर जी के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। पानी दे पहले हाथ धो। लाओ जी, इसको थोड़ा